हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल आर्यन ग्लोरी में। और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे रोज बोले जाने वाले इंग्लिश के सेंटेंसेस। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ इस वीडियो करिएगा लाइक। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल करिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे, जिससे मेरी हर नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस है कि मुझे परेशान मत करो। दोस्तों, जब भी हम अपने मम्मी को परेशान करते हैं तो हमारी मम्मी कहती है ना कि मुझे परेशान मत करो, तो इसको आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसको आप इंग्लिश में कहेंगे कि डोंट बदर मी, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि डोंट डिस्टर्ब मी, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि डोंट टीज मी, या फिर आप डोंट ट्रबल मी ये भी कह सकते हैं। अब जैसे कि दोस्तों है कि मुझे मत सताओ, इसको आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसको आप इंग्लिश में कहेंगे डोंट अनॉय मी। अब जैसे है कि गुस्सा मत हो। दोस्तों, जब भी क्लास में हमारी कोई बेस्ट फ्रेंड गुस्सा हो जाती है तो हम लोग कहते हैं ना कि गुस्सा मत हो, तो इसको आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसको आप इंग्लिश में कहेंगे डोंट बी अनॉयड। अब जैसे कि है मुझसे बहस मत करो। दोस्तों, जब भी हम किसी से बहस करने लगते हैं किसी बात पे तो वो कहता है ना कि मुझसे बहस मत करो, तो इसको आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसको आप इंग्लिश में कहेंगे कि डोंट आर्ग्यू विथ मी। अब जैसे दोस्तों है कि टीवी देखना बंद करो, वरना दोस्तों जब भी हम देर तक टीवी देखते हैं तो मम्मी कहती है ना कि टीवी देखना बंद करो वरना, तो दोस्तों जब भी मम्मी वरना लगा देती हैं तो बच्चे समझ जाते हैं कि अब तो मार खाना ही खाना है। तो इसीलिए तो इसको अगर आपको इंग्लिश में बोलना रहेगा तो आप क्या बोलेंगे? आप कहेंगे कि स्टॉप वॉचिंग टीवी और एल्स। एल्स का मतलब होता है कि वरना। अब जैसे कि दोस्तों है कि तुम कहाँ जा रहे हो। जैसे कि दोस्तों, अगर हम कहीं जाते रहते हैं और हमसे कोई बड़े लोग क्वेश्चन कर देते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो इसको आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसको आप इंग्लिश में कहेंगे दोस्तों कि वेयर आर यू गोइंग। तो जैसे कि आपको आंसर तो देना ही पड़ेगा, तो आप कहेंगे कि मैं बाजार जा रहा हूँ। अगर आप बाजार जा रहे हैं तो कहेंगे मैं बाजार जा रहा हूँ, तो इसको आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसको आप इंग्लिश में कहेंगे कि आई एम गोइंग टू मार्केट। अगर आप कोचिंग जा रहे हैं तो कहेंगे आई एम गोइंग टू कोचिंग। अगर आप स्कूल जा रहे हैं तो कहेंगे आई एम गोइंग टू स्कूल। अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो कहेंगे आई एम गोइंग टू ऑफिस। दोस्तों, अब इसी तरह से है कि अपने हाथ अच्छे से साफ करो। दोस्तों, जब भी खाना खाने से पहले हम अपने हाथ बस भिगो करके चले आते हैं तो मम्मी कहती है ना कि अपने हाथ अच्छे से साफ करो, तो इसको आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसको आप इंग्लिश में कहेंगे कि वॉश योर हैंड प्रॉपरली। अब जैसे कि दोस्तों हमारा सेंटेंस है कि वह सफलता के नशे में चूर है, तो इसको आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसको आप इंग्लिश में कहेंगे कि यू आर ड्रंक विथ सक्सेस। अब जैसे कि है कि बाहर में जाओ। दोस्तों, जब भी मम्मी हमसे गुस्सा हो जाती हैं तो कहती है ना बाहर में जाओ, तो इसको आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसको आप इंग्लिश में कहेंगे कि गो टू हेल। अब जैसे कि है मैं अपनी गलती को मानता हूँ। जैसे कि दोस्तों, अगर कोई भी गलती कर देता है तो कहता है ना कि मैं अपनी गलती को मानता हूँ, तो इसको आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसको आप इंग्लिश में कहेंगे माई एपोलॉजी। अब जैसे कि है आपको शर्म आनी चाहिए। दोस्तों, जब भी कोई बड़े लोग गलत बोल देते हैं तो हम लोग कहते हैं ना कि आपको शर्म आनी चाहिए, तो इसको आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसको आप इंग्लिश में कहेंगे शेम ऑन यू। अब जैसे कि है बाकी सब ठीक है। दोस्तों, जब भी हम किसी से बात करते हैं तो वो कहता है ना कि और सब ठीक है, तो हम लोग कहते हैं हाँ बाकी सब ठीक है, तो इसको आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसको आप इंग्लिश में कहेंगे कि रेस्ट एवरीथिंग इज फाइन। अब जैसे कि दोस्तों है कि मैं बहुत थक गया हूँ। दोस्तों, जब भी हम कहीं से आते हैं, अगर हम स्कूल से ही आते हैं तो कहते हैं ना कि मैं बहुत थक गया हूँ, तो इसको आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसको आप इंग्लिश में कहेंगे आई एम वेरी टायर्ड। अब जैसे दोस्तों है आगे रोड कैसी है, इसको आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसको आप इंग्लिश में कहेंगे हाउ इज रोड
अहेड। दोस्तों जो अहेड होता है इसका मतलब होता है आगे। अब जैसे कि है कि सड़क मरम्मत के लिए बंद है। दोस्तों जब भी हम किसी भी रोड से जाते हैं तो अगर मान लीजिए कि वो मरम्मत हो रही है, मतलब कि जो रोड है वो बन रही है, तो साइड में पोस्टर पर लिखा रहता है ना कि सड़क मरम्मत के लिए बंद है, इसका मतलब कि सड़क अभी बन रही है, इसलिए जो सड़क है वो बंद है। तो इसको आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसको आप इंग्लिश में कहेंगे दोस्तों कि द रोड इज क्लोज्ड फॉर रिपेयरिंग। अब जैसे कि दोस्तों है, हम आपस में नहीं बात करते हैं। दोस्तों जब भी किसी दो फ्रेंड्स में आपस में झगड़ा हो जाता है तो वो लोग कहते हैं ना कि हम आपस में नहीं बात करते हैं, तो इसको आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसको आप इंग्लिश में कहेंगे वी आर नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स। और दोस्तों वो साथ साथ में ये भी कहते हैं कि हम एक दूसरे घर नहीं जाते हैं। दोस्तों जब झगड़ा होता है तभी तो कहते हैं हम लोग कि हम एक दूसरे घर नहीं जाते हैं, तो इसको आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसको आप इंग्लिश में कहेंगे वी आर नॉट ऑन विजिटिंग टर्म्स। अब जैसे कि है उसका बुखार उतर गया। दोस्तों जब भी किसी को फीवर रहता है तो कहते हैं ना, कोई बड़े लोग कहते हैं ना उसका बुखार उतर गया, तो इसको आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसको आप इंग्लिश में कहेंगे हिज फीवर इज डाउन। अब जैसे कि है दादी जी ऊंचा सुनती हैं। दोस्तों जब भी दादी जी अगर मान लीजिए कि ऊंचा सुनती हैं तो उसको आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? उसको आप इंग्लिश में कहेंगे ग्रैंड मदर इज हार्ड ऑफ हियरिंग। दोस्तों यहाँ पर दादी जी की जगह पर आप ब्रदर, मदर, फादर या फिर ग्रैंड फादर कुछ भी हो सकता है। दोस्तों अब जैसे कि है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? दोस्तों जब भी हमें कुछ बात नहीं समझ में आती है तो हम लोग कहते हैं ना तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, तो इसको आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसको आप इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डू यू मीन। अब जैसे कि दोस्तों है कि भैया को सॉरी बोलो। दोस्तों जब भी हम कुछ गलत बोल देते हैं अपने से बड़े लोगों को तो कहते हैं ना कि भैया को सॉरी बोलो, तो इसको आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसको आप इंग्लिश में कहेंगे कि से सॉरी टू ब्रदर। दोस्तों यहाँ पर भैया की जगह पर मदर, फादर या फिर ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर कोई भी हो सकता है। दोस्तों अब जैसे कि है कि दादाजी का पैर छुओ। दोस्तों जब भी कहीं दादाजी जाने लगते हैं या हम लोग जाने लगते हैं तो कहते हैं ना कि दादाजी का पैर छुओ। जो भी हमसे एल्डर्स रहते हैं, जो भी हमसे बड़े रहते हैं, उनको हम लोग कहते हैं ना कि दादाजी का पैर छुओ या फिर कोई भी हो सकता है, तो उसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे? उसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे कि टच ग्रैंड फादर फिट। अब जैसे कि है खुश रहो। दोस्तों इसको आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसको आप इंग्लिश में कहेंगे बी हैप्पी। अब जैसे कि है कि तुम गलतियां क्यों करते हो। दोस्तों जब भी कोई ज्यादा गलतियां करता है तो हम लोग कहते हैं ना कि तुम गलतियां क्यों करते हो, तो इसको आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसको आप इंग्लिश में कहेंगे कि व्हाट डू यू मेक मिस्टेक्स। अब जैसे कि दोस्तों है कि खराब आदत छोड़ दो। दोस्तों जब भी कोई गंदी आदत करता है, मतलब शरारत करता है, तो हम लोग कहते हैं ना खराब आदत छोड़ दो, तो इसको आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसको आप इंग्लिश में कहेंगे गिव अप बैड हैबिट्स। अब जैसे कि है क्या शर्म की बात है। दोस्तों इसको आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसको आप इंग्लिश में कहेंगे व्हाट ए शेम। अब जैसे कि है कि चीनी खाना बंद कर दे। दोस्तों जब भी हम ज़्यादा चीनी खाने लगते हैं या फिर हमको कोई डिजीज हो जाता है जिसमें हमको शुगर नहीं खाना रहता है, तो कहते हैं ना कि चीनी खाना बंद कर दे, तो इसको आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसको आप इंग्लिश में कहेंगे कि कट डाउन ऑन शुगर। अब जैसे कि है आप कब सोते हैं। दोस्तों अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर देता है कि आप कब सोते हैं, तो इसको आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसको आप इंग्लिश में कहेंगे When do you go to bed? अब जैसे कि दोस्तों है कि इतना गुस्सा मत करो, तो इसको आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसको आप इंग्लिश में कहेंगे दोस्तों कि Don't lose your temper. तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज इसे करिएगा लाइक। अगर आपके चैनल को सब्सक्राइब किया है तो प्लीज चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे मेरी हर नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।